गर्मी आते ही बिजली को लेकर हाहाकार, और कहीं ना कहीं लगातार आप देख रहे हैं धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम्स, मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पार्टियां बड़े बड़े वायदे तो करती हैं कि घर घर तक, गांव गांव, गली गली बिजली पहुंचेगी, मूल सुविधाएं जनता को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं जब सुविधाएं देने की बारी आती तो अपना पल्ला झाड़ते हैं। यही कहते पुरानी सरकारों की कारकर्दगी है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलवंत सिंह, जो कि प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी का। ये जानते हैं इनका क्या कहना है, अगर जनता इन पर विश्वास जताती है तो किस तरह से जनता की इन मूल सुविधाओं को, मसले को हल करेंगे। कुलवंत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि दीदी जी, जो आपने इस टॉपिक पर मुझे चुना है जी। तो रश्मि जी, बात इस प्रकार से है कि ये जो गर्मी का मौसम जो एकदम बदल गया है, बिल्कुल पहले जो गर्मी पड़ती थी तो एकदम इतना गर्मी का मिजाज जो बदलता था, मई जून में जाकर पड़ती है, ये तो अप्रैल में त्राही माम, और ये ऐसी त्राही माम हो गई है कि कुछ समझ नहीं आया कि मार्च में ही, मार्च पहले से ही, फर्स्ट से ही स्टार्ट हो गई गर्मी, क्योंकि इतनी गर्मी हमने कभी महसूस की नहीं थी। तो खैर, कहीं कुदरत का भी एक बहुत बड़ा इसमें योर है कि कुदरत को लोग आजकल कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन कुदरत का कोई बीच में रोल है या ना। तो इसलिए दीदी, बात इस प्रकार से है कि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मई जून और जुलाई तक को लेके प्लानिंग चलती थी, बिजली के प्रति उसके लिए प्लानिंग चलती, लेकिन आज जो है एकदम जो ये हड़गम मच गई है जो गर्मी के ऊपर, तो यहाँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की भी थोड़ी कमी है कि उनको देख लेना कि गर्मी मौसम विभाग को ही जान लेना चाहिए मौसम का ये मिजाज कैसा है। इसलिए आज हर जगह लोग परेशान हैं बिजली का। तो मैं कहता हूँ कि रूरल एरिए में इतने लोगों की परेशानियाँ हैं कि अगर आप गांव देहात के लोगों के पास जाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों की क्या हालत है। यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, गांव के लोग इतने परेशान हैं कि जो बिजली की जो तारें हैं वो जैसे हमारे डोगरी में बोलते हैं ना कि पिंगे पड़ी हुई है, बिल्कुल वो पहले ही पिंगे पड़ी हुई है बिजली, उससे परेशान लोग, ऊपर से बिजली भी नहीं आ रही वहाँ से परेशान, और जो तारें जो पड़ी रही बिजली की डिपार्टमेंट की जो तारें पड़ी हुई है वो भी ऐसे धागे लटकाए हुए ना ऐसे, इससे काफ़ी दुनिया को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। तो क्या लगता है किस तरह का ये जो प्रशासन है, किस तरह या सरकार की बात करें, लगातार ये कहा तो जा रहा है कि अब 207 मेगावाट जो बिजली है वो एडिशन दी जाएगी जम्मू कश्मीर को, पर जो पहले हैं जो लोग हैं, जनता है जो बिल भरती हैं, क्योंकि भुगतान जब करती है तो बिजली उतनी तो मिलनी चाहिए ना जनता को, ये भी सवाल रहता है। उसी के चलते स्मार्ट मीटर की भी बात की जा रही है कि लोग ये भी कह रहे हैं पहले मीटर्स में क्या खराबी थी, पहले मीटर्स अगर लगे थे कहा था बिजली की पूर्ति पूरी तरह से जनता को मिलेगी, वो भी खारिज हो गए। अब नए स्मार्ट मीटर्स, बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि आने वाले समय में जनता को बिजली की परेशानियों से ना जूझना पड़े। तो किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? रश्मि जी, सबसे पहले मैं एलजी मनोज सिन्हा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो जिन्होंने 207 मेगावाट बिजली जो खरीद के जम्मू कश्मीर की पूर्ति करने के लिए थोड़ा कदम उठाया है। और यहां तक बात ये आ रही कि कुछ जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ ऐसे दायित्व बनते हैं जिससे कि बिजली को हम काफ़ी हद तक सेफ कर सकते हैं। जिस प्रकार की लोगों ने बिजली की हुकिंग डाली हुई है या मीटर रीडिंग का बिल जो सही तरीके से नहीं आ रहा, इससे भी कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ही नज़र रखनी चाहिए कि कहां पर हमारी बिजली अनयूजल हो रही है। तो यहीं से लोग भी परेशान हैं और लोगों के बिल भी देखो कि बिल तो आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर तो लग रहे हैं लेकिन लोगों के बिल भी तो आ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, चलो ठीक है, सरकार ने स्मार्ट मीटर का जो कदम बढ़ाया है, उठाया है, इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी ना करें, लेकिन बिजली तो देनी चाहिए सरकार को, स्मार्ट मीटर लगाएं, जिस कारण अभी हमारा ये जो पाक महीना चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, और ऊपर से हमारे नवरात्रे भी हुए, वहाँ पे हमारी बैसाखी का त्यौहार भी आया, ऊपर से हमारे
बहुत सारे ऐसे जो धर्म से प्रोग्राम चल रहे हैं, धर्म कार्य प्रोग्राम चल रहे हैं। अब तो अपनी पार्टी भी खुलकर विरोध कर रही है इन सारी चीज़ों का। देखो मैम जी, अभी बात इस प्रकार से, पार्टी तो बोलेगी, बोली पार्टी नहीं बोल रही, जनता बोल रही है। जनता बोल रही है तो पार्टी को भी आगे आना पड़ेगा। जनता बोल रही है, पार्टी के कहीं ना कहीं तो जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है ना, तो जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी के कारण मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव को देखना चाहिए कि आज बिजली। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से हमारे जो ये सोलर एनर्जी सिस्टम जो लगाए हुए हैं, जिस प्रकार हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, तो सरकार को देखना चाहिए कि ये वर्किंग हालत में है कि या नहीं है। अगर नहीं है तो इनको वर्किंग हालत में किया जाए, जिससे कि हमें जमीनी सतह से जमीन का बिजली का बचाव का बड़ा फायदा मिल सकता है। तो किस तरह से जनता की, यानी आप जो कह रहे हैं कि फायदा मिल सकता है, पर जब भी हम इस समय जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उनके नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं पुरानी सरकारों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया होता आज ये खस्ता हालत ना होती आम जनता की। और एक तरह से आपने कहा कि तारे, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ये दो सवाल आपके लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तारे तो ऐसे हैं उलझी हुई, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं तो अगर उसको खोलते हैं, उधेड़ते हैं तो आपस में उलझ जाती, इस तरह से है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के, क्या अब शहरी लोग भी गर्मी से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पर कहा था घर घर लाइट होगी, तो किस हद तक वो चीज़ें पूरी हुई हैं? जी रश्मि जी, मैंने भी पहले भी यही बात कही है कि ये जो हमारे गांव के रूरल बेल्ट एरिए के लोग हैं वो हद से भी ज़्यादा परेशान हैं। आज 3 दिन से गाँव में बिजली है ही नहीं, वहाँ पर बिजली, पहली बात है बिजली तो है नहीं, लेकिन वहाँ की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है उनकी इतनी खस्ता हालत है कि वो ऐसे, जो डोगरी में हम कहते हैं कहावत डालते हैं कि पिंगे पड़ी हुई है, वहाँ की जो पावर इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है उनकी तारें ऐसी उलझी है जैसे स्वेटर बुनने के माफिक ही है, और तार भी इतनी पतली है कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव को देखना चाहिए कि गाँव रूरल एरिया में जाके कि जहाँ PDD वालों को, जहाँ डिपार्टमेंट के कंसर्निंग जो भी है, इनको देखना चाहिए कि गांव के लोग इतने परेशान बिजली के लिए क्यों हैं, क्या वहां पर बिजली पहुंच पा रही है, क्या वहां के लोग, वहां पे किसान हैं। जनता को मूल सुविधाएं प्रदान की जा रही, क्योंकि पार्टियां आती हैं, अपनी पार्टी, आप भी, आपकी पार्टी भी अब कह रही है, वायदे कर रही है कि हमारी पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मूल सुविधाएं प्रदान होगी। भाजपा भी लगातार कह रही है हमारा CM बनेगा तो सारे मसले हल होंगे। आम आदमी पार्टी का भी विस्तार हो रहा, वो भी कह रहे बिजली पानी फ्री होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अब बिजली पानी फ्री होगा, तो कहने में और करने में कितना अंतर है? देखिए रश्मि जी, हमारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, वे ये हमेशा सत्य के सिद्धांत पर चलती है, और हमारी पार्टी ने हमें वही सिद्धांत सिखाए हुए हैं, वही जुनून हमारे अंदर डाला हुआ है कि सच के सिवा कोई बात नहीं करनी। हमने ये बोला है, हमारे अल्ताफ बुखारी साहब CM आएंगे जम्मू कश्मीर में, इसलिए ये कोई शक की बात तो है नहीं है। लो जी, अब तीसरे भी आगे कहने के लिए, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी का CM होगा, वही दूसरी आम आदमी पार्टी कह रही इस समय कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लखनपुर के पार होगी, हमारा CM होगा। अब आप भी आगे के अल्ताफ बुखारी जी CM। मैम जी, बात इस प्रकार से है कि जो अल्ताफ बुखारी है सब हैं, वो एक सुचे बंदे हैं, जिनका जो कहना है वो सच ही बोलेंगे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, नुमाइंदगी करना चाहते हैं, और जनता इसलिए उनको सच बोलते हैं, इसलिए जनता उनको। पर विपक्षी दल तो ये भी कह रहे हैं, लोग भी यही कहते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी के, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती के साथ थे और इतना समय दिया, और आपको पता है उनका किस तरह का वहाँ वकार था, अगर वो उस पार्टी के साथ वफादारी नहीं, भाई एक अलग पार्टी अपनी कर ली, जबकि जू ही पार्टी का ग्राफ नीचे आया, तो वो कहाँ जनता की सगे होंगे। अल्ताफ बुखारी साहब PDP के एक वफादार सिपाही थे, जिन्होंने PDP के साथ वफादारी की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उन्हें खुद अपनी पार्टी से निकाला है। कोई वो उनको कोई शौक नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब भी सच की बात की और उनके सच की बात को दबाया गया, इसलिए उन्होंने पार्टी को, इन्होंने पार्टी से, उन्हें जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने पार्टी से इनको बाहर किया। ये ऐसी बात नहीं कि हमारे अल्ताफ बुखारी साहब, और आने वाले समय में मैं अपनी जो जनता है, अपने जो लोग हैं, जो अपनी पार्टी को चाह रहे हैं इस समय ज़मीनी सतह पर, जो चाह रहे हैं लोग, मैं इनको बताना चाहता हूं
कि ये जो पार्टी है ये सच की पार्टी है और यही पार्टी आने वाले समय में मैदान में उतरेगी और आएगी भी और हमारे चीफ मिनिस्टर अल्ताफ़ बुखारी साहब होंगे। इतने कॉन्फिडेंटली आप भी कहें। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सच है। हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलते, हम हमेशा सच्चाई के ऊपर चलते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी कुलवंत सिंह जी, और अपनी पार्टी से वाबस्ता है। हर कोई ये दावे कर रहा है हमारी पार्टी का सीएम होगा, जहां पर एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी आह्वान कर दिया कि हमारी पार्टी का सीएम आने वाले समय में होगा। अब अपनी पार्टी के कुलवंत सिंह जी ने भी कह दिया कि आने वाले समय में सीएम होंगे अल्ताफ़ बुखारी। पर जनाब, ये सब तो जनता पर डिपेंड है, क्योंकि सबको मौका देकर देख रही है। आप देखना ये है कि जनता क्या, नई पार्टियां जो उभर कर आती हैं उनके नेताओं पर विश्वास जता पाएंगे, क्योंकि पहली सरकारों से, पहली पार्टियों से कहीं ना कहीं जनता आज दुखी है। ये एक कड़वा सच है जो वाकई जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि आम जनता आने वाली पहली जो सरकारें गई, पहली जो पार्टियाँ हैं या आज की जो रूलिंग पार्टी, उनसे भी दुखी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वायदा किया जाता है मूल सुविधाओं का, जो जनता का अधिकार है, वो अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो बड़े ख्वाब देखना तो भूल ही जाइए। अब देखना यह कि किस तरह से जनता आने वाले इलेक्शन में, फिलहाल इलेक्शन अभी होने वाले नहीं और तब होंगे जब ये कहेंगे, वो तो आप खुद ही जानते हैं कि वाकई लगेगा कि अब पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तभी इलेक्शंस होंगे। मे बी बिगुल बज जाएगा या बजने वाला होगा, फिलहाल सियासी सरगर्मियाँ शुरू हैं। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर अपना विश्वास जताती है, क्योंकि लगातार युवा सड़कों पर हैं, टेलीविजन सड़कों पर हैं, बिजली की मार से लोग जूझ रहे हैं, पानी की मार से जूझ रहे हैं, पर देखना यह फिर भी जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।